हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सॉलिड वर्क्स फॉर बिगिनर पार्ट नंबर 5, एंड जो कमांड हम देखने वाले हैं दैट इज़ मूव एंटिटीज। सो लेट्स सिलेक्ट अ प्लेन, फ्रंट प्लेन, स्केच, एंड लेट्स ड्रॉ वन रेक्टेंगल, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट। ओके, नाउ लेट्स यूज मूव एंटिटी। अब मूव एंटिटी में आप देख सकते हो मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल और स्केच, स्ट्रेच एंटिटीज यहाँ पे दी हुई है। सो लेट्स ट्राई मूव एंटिटी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि एंटिटीज टू बी मूव, मतलब कौन सी एंटिटी को हमें मूव करना है। तो मैं यहाँ पे ये सब एंटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, चारों लाइन, ठीक है। अब कौन से पॉइंट से मुझे मूव करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चारों एंटिटी जो है वो पर्टिकुलर ये रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रही है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मूव एंटिटी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इज़ कॉपी एंटिटी, ठीक है। अब ये जो एंटिटी है उसको मुझे कॉपी करना है, तो मैं अगेन सिलेक्ट कर लूँगा, देन स्टार्ट पॉइंट। तो सपोज़ मैं यहाँ से अभी लेता हूँ, तो ये कौन से पॉइंट कहाँ, कौन से रेफरेंस से कॉपी करनी है वो भी हम ले सकते हैं। सो सपोज़ मुझे यहाँ पे कॉपी करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और तीसरी अगर कॉपी करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जितनी चाहे हम कॉपी कर सकते हैं, देन ओके, ठीक है। उसके बाद रोटेट एंटिटी, थर्ड वन इज रोटेट एंटिटी। तो फिर से फ्रेंड मुझे अगर ये एंटिटी रोटेट करनी है चार, तो मैंने ये चारों सिलेक्ट कर ली। उसके बाद सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब कौन सा पॉइंट, कौन से सेंटर से मुझे रोटेट करना है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ डिग्री दे देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं देता हूँ 20 डिग्री, ठीक है। तो ये 20 डिग्री रोटेट हो गई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, एस्केप, एंड देन नेक्स्ट इज स्केल एंटिटी, ठीक है। तो जो एंटिटी है उसे मुझे एनलार्ज या स्मॉल करना है, ठीक है। तो ये चारों लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब स्केल अबाउट, कहाँ से मुझे स्केलिंग करना है, सपोज मैं लेता हूँ ये पॉइंट, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो 3। सपोज मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो 1 करूँगा तो वो सेम टू सेम वही साइज़ में रहेगी। अगर मुझे यहाँ पे स्केल, एंड सपोज़ यहाँ पे मैं करता हूँ 2, ठीक है, और 2 जैसे ही करूँगा, कौन सी एंटिटी को स्केल करना है, सपोज़ ये एंटिटी को मुझे स्केल करना है, और जैसे ही 2 करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट अबाउट, सपोज़ ये पॉइंट से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये डबल साइज़ हो जाएगी, ठीक है। सपोज़ 1.5, डेढ़ गुना करनी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कॉपी करूँगा तो क्या होगा कि जो पिछले वाली जो एंटिटीज़ है वो वहीं पे रहेगी और दूसरी उसके ऊपर रह जाएगी, ठीक है। जो डेढ़ गुना साइज़ कर रहे हैं वो भी बताएगी और पिछली वाली जो एंटिटीज़ है वो भी बताएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं ये स्केल एंटिटी। और स्ट्रेच एंटिटी वो क्या है फ्रेंड्स, तो सपोज़ मैं यहाँ पे चारों लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रेच अबाउट कोई एक पॉइंट, सपोज़ ओरिजिन से स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो वो उसके अबाउट ये कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं और इसको रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके, देन क्लिक ओके। तो ये हुआ मूव एंटिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।